नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पांच की आंच। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम और पांच की आंच में सबसे पहले बात होगी स्वच्छता अवार्ड की। एक बार फिर इंदौर सिरमौर बना है स्वच्छता में, सफाई में। वही एक गांव में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। कौन सा वो गांव है और क्या यहां पर दबंगों ने किया है, दिखाएंगे आपको। बात उस कुप्रथा की भी होगी जिसका मकर जाल आदिवासी अंचल में अभी भी फैला हुआ है। वही खंडवा में सिस्टम से हार कर मौजीलाल अब कैसे बना मुसद्दीलाल, वो भी आपको दिखाएंगे। बात 22 जनवरी की भी करेंगे आज हम, जिसको लेकर गर्भवती महिलाओं में काफी उत्साह है, क्यों वो भी आपको हम बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सुमित स्वच्छता अवार्ड की। भारत सरकार की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। हर साल की तरह इस साल भी अवार्ड में मध्य प्रदेश की धूम रही है। प्रदेश को अलग अलग कैटेगरी में 6 अवार्ड मिले हैं। एक बार फिर से इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। तो सातवीं बार इंदौर देश में सिरमौर रहा है। उधर मध्य प्रदेश को देश के दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये अवार्ड लिए। तो ये कार्यक्रम हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रपति की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण के अवार्ड सबको दिए गए। स्वच्छता में एक बार फिर इंदौर का परचम। लगातार सातवीं बार इंदौर बना सिरमौर, एमपी देश का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य। स्वच्छता का मिशन, एमपी की पहचान। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का ऐलान कर दिया गया है। एक बार फिर स्वच्छता में इंदौर ने परचम लहराया है। इंदौर को लगातार सातवीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7-स्टार रेटिंग मिली है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अवार्ड दिया। इस दौरान सीएम ने इंदौर का पहला पुरस्कार मिलने पर इंदौर के लोगों को बधाई दी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने लगातार सातवीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है। स्वच्छता में पहला पुरस्कार मिलने पर इंदौर में जश्न का माहौल है, लोग नाचते हुए नजर आए। उधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वच्छता में आगे बढ़ने का मतलब है कि लोग जागरूक हैं। इंदौर के लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं। स्वच्छता अभियान अब एक जन आंदोलन बन गया है। मैं इंदौर के महापौर, नगर निगम की टीम, सफाई कर्मी और इंदौर की जनता को बधाई देता हूँ। और ये जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि अगर स्वच्छता में नंबर आना हो तो जनता की भागीदारी बहुत अवश्य होती है और इंदौर जन भागीदारी के लिए पहले से ही जाना जाता है। एक बार फिर से इंदौर की जनता को और महापौर जी को बधाई। बात अगर राजधानी भोपाल की करें तो भोपाल देश का पांचवा सबसे साफ शहर है। पिछले साल भोपाल 6वें स्थान पर था। महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला। सबसे स्वच्छ राज्यों में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। इस बार मध्य प्रदेश के खाते में कुल 6 नेशनल अवार्ड आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। स्वच्छता के लिए लगन और ईमानदारी से काम करने वाली रीवा की 4 महिला सफाई मित्रों का सम्मान प्रधानमंत्री करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर रीवा की 4 महिलाओं को बुलाया है। आपको बता दें कि इन महिलाओं को पूरे परिवार के साथ दिल्ली आने जाने का खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों का सम्मान किया जाएगा। इसी के तहत रीवा नगर निगम में काम करने वाली मुन्नी पटेल, रानी चमकेल, मुन्नी छकौरी और पुष्पा सोधिया के नाम का चयन किया गया है। महिलाएं जो है, जो हमारी महिलाएं महिला सफाई मित्र हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है शहर की सफाई में। वो सुबह शाम लगकर काम करती हैं। तो इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में
देश भर की महिला सफाई मित्रों को बुलाया है ताकि उनको सम्मानित करें। रीवा से भी हमारे 4 सफाई मित्र जाने वाले हैं। कितनी महिलाएं यहां जा रही हैं? 4 जाने वाली हैं और उनको सपरिवार लेकर जाया जाएगा। अब बात कर देते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। देश के सबसे स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ को 3रा अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ के कुल 5 शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण की अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में रायपुर कुमारी महासमुंद आरंग पाटन को पुरस्कार से नवाजा गया। रायपुर कचरा प्रबंधन में अव्वल नंबर पर आया है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दुर्ग जिले के पाटन को देश में 2रा स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वहीं इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। और अब बात कर लेते हैं उस फरमान की जो दबंगों की दबंगई को बताता है। गांव के कुछ लोगों को चुनाव में मतदान करना भारी पड़ गया। यूं तो वोट देना सबका अधिकार है, यहां लेकिन मामला उल्टा हो गया। लोगों ने मतदान किया तो दबंगों ने उनको समाज से अलग कर दिया। उनका हुक्का पानी तक बंद कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। दबंगों का ये कैसा फरमान, मतदान पर ताली बानी सजा, मजबूर लोगों की प्रशासन से गुहार, धमकी पर धमकी, कहां हो सरकार। गांव में विकास कार्य नहीं हुए तो लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। प्रशासन ने समझाया तो मतदान किया, लेकिन दबंगों की दबंगई देखिए। मतदान क्या किया, दबंगों ने समाज से ही अलग कर दिया। मामला पन्ना जिले के बड़ी मोहोड़ गांव का है। कुशवाहा समाज के लोगों का आरोप है कि रोड नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद मतदान किया, मतदान कर दिया, लेकिन उसके बाद दबंगों ने जीना मुश्किल कर दिया। ये सी है कि हमने वोट डाल दिया, सो हमको धमकी देते हैं गांव के, और हमारे घर वालों के मनसिल को दारू पी पी वतंगबाजी करते हैं गाँव के। अच्छा। मारते हैं। शिकायत की आपने कहीं इसकी? हमने अब जी करे भी हमारे घर के, वो हम फिरते हैं बंजी तो हम पीछे पिछला क्यों बेचती हो तुम, क्यों वह करती हो, वो सौदा लेवे जैसे रोक टोक करते हैं कि क्यों दे तुम, क्यों लेते हैं, क्यों वह करते हो। शंकर जी की स्थापना सो इन लोगों ने नहीं करन दी, और फिर जो वोट चुनाव हो पड़ी, सो वोट चुनाव में कहाँ लगे हम तुम लोगों को वोट नहीं डालना, अपने गाँव को रोड नहीं है, जब रोड डर जाएगा तब वोट डालेंगे सबली नगरी के। सो हम का मैडम तहसीलदार ने आई, SDM तहसीलदार में आई, सो सरपंच आए, सो हमारी कछुआरे पहुँचे, कहे तुम लोग कितने हो, हमने 40 आदमी हैं, कहा 40 आदमी पोलिंग खाली ना जाए, तुम लोग वोट डाल दो, हम कि जो गांव के मारेंगे अभी मंदिर से मारते हैं और फिर वोट डाल देंगे, कहें कि गांव भर वोटिंग डालती 600 वोट, वो तुम और 40 वोट क्यों डाल रहे हो। तो मैडम जी बोली और सरपंच जी बोली कि तुमको जब कोई धमकी देगा तो हमसे बताना। तो जब मारने के लाने उतारू होने लगे, हमारी औरतें मूरा पालक धनिया गांव को ले जाती हैं बेचने के लिए, तो जे राजू और महाराज सिंह देवेंद्र गिल्ला जो पीछे पीछे पूरे गांव में डुंडी पीटते हैं कि इनकी धनिया पत्ती न लेना कोई। इस मतदान की वजह से लोगों के बीच आपसी रंजिश हो गई। गांव के दबंगों ने लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया। कुशवाहा समाज के लोगों की सब्जी खरीदने से भी मना कर दिया। आए दिन रास्ता रोककर अभद्रता की जाती है, जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, भगवान शिव के मंदिर में ताला लगाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी रोक दी गई है। जो अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव हुआ है, श्रीमान जी हमारी मोहर कला में वर्तमान विधानसभा चुनाव का बहिष्कार हुआ था, जिसमें से कुशवाहा समाज के समस्त लोगों ने इसमें भाग लिया और मतदान किया, जिसमें से राजपूत समाज द्वारा कुशवाहा समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है एवं गांव से निकलते हैं तो धमकी दे रहे एवं सब धोबी नाव बंद कर दिए गए हैं साहब। और श्रीमान जी जो वर्तमान में हमने मंदिर बनवाया है उसमें इन लोगों ने ताला डाल दिया है,
और भगवान की प्रतिमा भी नहीं बैठाने दे रहे, जिसके कारण हमने गेट पर प्रतिमा बैठा दी है और मंदिर में ताला लगा है। और जो लोग कहते हैं कि तुमने मतदान किया है इसलिए हमने ताला डाला है। पीड़ित लोगों ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल देखना होगा प्रशासन की ओर से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। पन्ना से संजय तिवारी, न्यूज 18।